राधे जी, वेलकम टू कनक रंग एस्ट्रो। देखो, जब भी आपकी जीवन रेखा, भाग्य रेखा और बुद्धि की रेखा आपस में मिलके आगे की तरफ बढ़े, बिल्कुल एक तीन पत्ते वाले फूल की तरह, तो यह आपके लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली होती है। इसमें कहीं से भी कोई शक शंका की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों का मिलना स्पष्ट तौर पे सौभाग्य को दर्शाने का काम करता है। जीवन रेखा जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें आपके आयुष्य की भी गणना होती है। इसके अलावा जीवन किस प्रकार से जाने वाला है, किस गति से जाने वाला है, सुख दुख की स्थिति कैसी रहने वाली है, उन सबको दर्शाने का काम करता है। कब रुकेंगे, कब ठिठकेंगे, कब गिरेंगे, कब संभलेंगे, कब चलेंगे, इन सारी चीजों का प्रतिनिधित्व यहां से हो जाता है। आपकी भाग्य रेखा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्ति किस प्रकार इस लौकिक जगत में संपूर्ण प्रकार के गुणों को प्राप्त करके, संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करके प्रसन्नता का स्तर कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, उसको दर्शाने का काम करता है। अगर ये कहीं से भंग ना हो, कहीं से भी बुरी रेखा हो, मान लो क्रॉस का साइन हो, यवल साइन हो, टूटी फूटी रेखाएं या बार बार काटती हुई रेखाओं का योग ना हो, तो ये सुस्पष्ट रूप से अपने पूर्ण ऊर्जा के साथ काम करेगी और पूर्ण फल व्यक्ति के जीवन में लाकर देने का काम करेगी। अब बुध की रेखा व्यक्ति की दक्षता, व्यक्ति की शार्पनेस, व्यक्ति की तीक्ष्ण बुद्धि, व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य शक्ति, कार्यों के प्रति उनका नजरिया, क्रिएटिविटी, इन सब चीज को दर्शाने का काम करता है। तो मान लो जब बुद्धि हो, सौभाग्य हो और ताकत हो, फिर तो सिर्फ रिजल्ट्स ही मिलने हैं ना। ये उसी तरीके से है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक मेहनती होते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार से मेहनत में कोई कमी नहीं करते हैं। जहां तक हो सकता है, भाग्य इतना साथ है, फिर भी कर्म में दिन रात तल्लीन रहने वाले होते हैं। जो भी इनकी सोच होती है, जो भी इनका सपना होता है, जिस ड्रीम के साथ ये आगे बढ़ रहे होते हैं, उसे अपना 100% देते हैं। और कई दफे मान लो कि उन्हें जीवन में वो नहीं मिले जो चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े, जैसे एक है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से बड़े बड़े भाग्य में कुछ ना कुछ सेंध दुर्भाग्य की आपको देखने को मिल जाएगी कहीं कहीं। तो अगर जो चाहें, शायद 100 में एक व्यक्ति को वो 9 मिले, तो उसे जो दूसरा मिलेगा ना, वो उससे भी बेहतर मिलेगा। और वो कभी भी गुमनामी का जीवन नहीं जी सकता, वो कभी भी आर्थिक तौर पे मुश्किलों में नहीं फंस सकता, वो व्यक्ति कभी भी सिर्फ अपना और अपने आश्रितों का ही पेट पालने वाला नहीं होगा। वो एक छोटे से लेके बड़े ग्रुप तक का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा। ये सुस्पष्ट है, लिख के रख लो कहीं भी। व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत धन की प्राप्ति करेगा, संवर्धन करेगा, अपने जीवन में जिस भी चीज को छुएगा उस चीज को उत्तम बना देगा, उससे उत्तम फलों फलों की प्राप्ति करेगा। व्यक्ति अकाल मृत्यु का कभी शिकार नहीं होगा, व्यक्ति को ठेस लगेगी फिर भी गिरेगा नहीं, संभलेगा और चलेगा, और पहले से दुगुनी तेजी के साथ चलेगा। ऐसा व्यक्ति लोहे से संबंधित कारोबार में जब भी जाएगा उसे फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति को खासकर विवाह के पश्चात अपने जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी की योग स्पष्ट तौर पे देखने को मिले हैं। ये रेखा सामान्य नहीं है, ये रेखा कई सारी योगों को बनाती है। जब रेखाओं को आपस में मिलाओ तो आप देखो, जैसे ही यहां पर मिलेगी, विपरीत राजयोग महालक्ष्मी योगों का निर्माण करना शुरू करती है। और बिल्कुल बंद है, खुली में नहीं है, ट्रायंगल के रूप में इस जातक के जीवन में भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के योग बनाती है। धन पेटी के रूप में जातक को एक बेहतर भाग्य,
और साथ ही महालक्ष्मी विपरीत राजयोग के जो लाभ हैं उनसे नवाजने का काम करती है। साथ ही एक बेहतर नजरिए और बेहतर बुद्धि के साथ सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। इसके अलावा जब बाहर के क्षेत्र में आप आएंगे तो यहाँ पर मंगल जनित जितने भी फायदे हैं वो जातक के जीवन में राहु के साथ साथ प्राप्त होते हैं और व्यक्ति में बल, साहस, जीवन शक्ति, संभालने की शक्ति पैदा तो कर लो, संभालना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो धन हो, पुत्र हो, संपदा हो, कुछ भी, उन सब की शक्ति यहां पर जातक को प्राप्त होती है। वाक्पटुता प्राप्त होती है, अपनी बातों की कमाई खाने वाले होते हैं, तर्क होता है इनके पास। तो इतने सारे बेहतर गुणों से ये ओतप्रोत आपको करता चला जाता है। लेकिन जैसे ही रेखाएं टूटेंगी फूटेंगी, इन्हें भी सिंबल्स जुड़ते चले जाएंगे, उसके जो सुफल है ना उसमें कमी आती चली जाएगी। तो ग्राफ की हथेली में भी है रेखाएं, तो बस कर्म करना शुरू कर दें। आप 2 कदम चलोगे, आपका भाग्य आपकी तरफ 100 कदम बढ़ के आएगा। मिलते हैं फिर, जय श्री राम।